हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए द होम मिनिस्टर को और बेल का बटन भी दबाइए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कोई फूड रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक DIY हेयर मास्क वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे बालों पे कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है और ये कलर आया है सिर्फ हीना से। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये हीना हेयर मास्क घर पे बनाया और इसे लगाया, जिससे मेरे बालों पे कलर के साथ साथ शाइन तो आई है और बालों को काफी अच्छी डीप कंडीशनिंग भी मिल गई है। बनाने में भी बहुत आसान है फ्रेंड्स ये, और एकदम 100% नेचुरल है, जिससे बालों पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आप कोई भी अच्छी ब्रांड की हिना ले लीजिए। एक टेबलस्पून भरकर मैंने आंवला पाउडर लिया है और आधा नींबू का इस्तेमाल करेंगे। नींबू से कलर बहुत अच्छा आता है, साथ ही साथ ये डैंड्रफ भी दूर रखता है और बालों से एक्स्ट्रा ऑयल भी निकलता है, तो इसलिए हम इसमें आंवला और नींबू का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम यूज करने वाले हैं बीट रूट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें हम बीट रूट का जूस यूज करेंगे, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो आपको सबसे पहले बीट रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, इसे एकदम स्मूथ पीस लीजिए। ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा पानी डालकर मैंने एकदम बारीक पेस्ट बना लिया है इसका। इसे अब एक स्ट्रेनर से या छलनी से छान लेना है और सारा जूस अलग कर लेना है। तो ये देखिए, एक छलनी पर डाल दीजिए पेस्ट को और स्पून से इसे दबाते हुए हम जूस को अलग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जूस मिल गया हमें। ये मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है। दोस्तों, लोहे के बर्तन में अगर हम मेहंदी घोलेंगे तो कलर बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसलिए मैं लोहे की कढ़ाई ले रही हूँ। इसमें डालेंगे अब हीना और आंवला पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। अब इसमें ये आधा नींबू निचोड़ लेंगे। तो ये करीबन एक टेबलस्पून भरकर नींबू का रस लिया है और इसे अब हम घोलेंगे इस बीटरूट के जूस से। तो ये देखिए, सारा बीटरूट का जूस डाल दिया मैंने। आप चेक करके डालिए कि आपको कितना पानी लगने वाला है और उसी हिसाब से जूस ऐड करते जाइए। बस इसे अच्छी तरह से घोल लेना है अब। तो ये देखिए, एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया मैंने। और फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से फेंट लीजिए। मैं इसे आपको हाथ से फेंट के बता रही हूँ और आप यहीं पर रिजल्ट देख सकते हैं कि कलर कितनी जल्दी चढ़ने लगा है हाथों पे। ये देखिए, इस तरह से इसे फेंट लेना है। और फ्रेंड्स, बर्तन के किनारे में जितनी मेहंदी लगी है उसे इस तरह से समेटते हुए आप बीच में कर लीजिए, ताकि ये सूखे ना। और इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे, इसे थोड़ा मॉइस्ट रखना है। तो ये देखिए, थोड़ा और बीट रूट का जूस डाल लिया है। कम से कम इतना पानी रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम इसे ओवरनाइट रखने वाले हैं। रात भर हम इसे इसी तरह रखने वाले हैं और नेक्स्ट डे इसे लगाना है। और बस इसे ढक दीजिए और रात भर किसी भी कॉर्नर में रख दीजिए। आप कोई भी गर्म जगह पे भी रख सकते हैं। ओवरनाइट इसे रख लीजिए या 6 से 8 घंटे तक इसे इसी तरह से छोड़ दीजिए और फिर इसे हम बालों में लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे रात भर रखा है और नेक्स्ट डे ये कुछ इस तरह की दिख रही है। काफी गाढ़ी हो चुकी है ये मेहंदी और अब ये लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस एक बार इसे अच्छे से फेंट लेंगे, तो स्पून से इसे फेंट लीजिए। और अब इसे आप पूरे बालों में अच्छी तरह से लगा लीजिए। और दोस्तों, मेहंदी लगाने से पहले शैम्पू जरूर कर लीजिए, ताकि बालों में कोई ऑयल ना रहे, और फिर इस हेयर मास्क को लगाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे बालों में अच्छी तरह से इसे लगा लिया है। और इस तरह से एक कैरी बैग से इसे ढक लिया है। तो मेहंदी लगाने के बाद इसे इस तरह से ढक दीजिए। कोई भी प्लास्टिक बैग लेकर आप इसे कवर कर दीजिए, ताकि बालों को गर्माहट मिलती रहे और मेहंदी इधर उधर फैले भी ना। आपको इसे सिर्फ 4-5 घंटे ही रखना है। आप इसे 4-5 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दीजिए और फिर सिर्फ सादे पानी से इसे धो लीजिए। शैम्पू नहीं करना है आपको, सिर्फ पानी से धोना है इसे। शैम्पू आपको दूसरे दिन करना है। तो पहले दिन मेहंदी को सिर्फ पानी से धो लीजिए और फिर हम इसमें ये तेल लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। आपकी बालों की लेंथ के हिसाब से तेल ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है, जिसमें 2 विटामिन ई ऑयल की कैप्सूल डाल रही हूँ। ये विटामिन ई ऑयल आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो इसकी 2 टैबलेट्स मैंने डाल ली है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर आप बालों पे लगाइए। जड़ से लेकर किनारे तक अच्छे से मसाज कीजिए इस ऑयल से, और नेक्स्ट डे फिर शैम्पू कर लीजिए। और ये देखिए दोस्तों, शैम्पू करने के बाद मेरे बाल कुछ इस तरह से हैं। कलर भी बहुत अच्छा आया और शाइन तो आप देख ही सकते हैं।
फोटो में ही कितनी अच्छी शाइन दिख रही है फ्रेंड्स। हो सकता है दोस्तों कि फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले, तो आप इसे महीने में कम से कम दो बार अप्लाई कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। और आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे थम्स अप देना ना भूलिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।